1,54,000 कोटी का प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में तलेगांव दाभाड़े यहां आने वाला था, लेकिन यह प्रोजेक्ट अब गुजरात में बनेगा। इसके चलते महाराष्ट्र सरकार के विरोध में नेश नुसरत अली अध्यक्ष नागपुर शहर जिला महिला कांग्रेस के नेतृत्व में आंदोलन किया गया। महाराष्ट्र की बढ़ती बेरोजगारी का जरा भी विचार न करते हुए सरकार ने वेदांत फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से गुजरात ले जाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह प्रोजेक्ट गुजरात में भेजकर महाराष्ट्र के युवकों की बेरोजगारी को बढ़ावा देकर युवाओं को झूठा आश्वासन दिया है। इसके विरोध में नागपुर शहर जिला महिला कांग्रेस के नेतृत्व में आंदोलन किया गया। पार्टी में केवल और केवल गांधी परिवार को टारगेट करने के लिए रखा। हम नरेंद्र मोदी जी का पूरी तरीके से हम और हमारे नेशनल प्रेसिडेंट नेताजी जी को हमारी महिला कांग्रेस की सवाल आगे जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है उनके आदेश अनुसार आज नागिन महिला कांग्रेस की तरफ से ये आंदोलन किया है। रोजगार महाराष्ट्र में आ सकता था, अगाड़ी सरकार ने इसको बहुत मेहनत से और जद्दोजहद करके यहाँ पर लाया, लेकिन आपने कैमरा खाली है इसको गुजरात ही दी। क्योंकि गुजरात में 5 महीने में चुनाव है, ये कह सकते हैं गुजरात चुनाव की भेंट चढ़ गया। 1,00,000 युवाओं का रोजगार महाराष्ट्र, हम ऐसे प्रधानमंत्री से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं। एक नाथ शिंदे जी एक लॉलीपॉप लेकर के आ गए दिल्ली से कि मुझे नरेंद्र मोदी जी ने कहा है महाराष्ट्र के लिए इससे भी बड़ा प्रोजेक्ट, लेकिन जो हाथ में था वो तो चला गया। मुझे बताइए एक नाथ शिंदे जी अब कैसे लॉलीपॉप बांटने के काम के हैं। देवेंद्र फडणवीस तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कैमरे को फेस की बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव भी नहीं खाते। आज देश के प्रधान की ये हालत हो गई। आज महाराष्ट्र का युवा एक टाइम के रोजगार को तरस रहा है, लेकिन एक टाइम का रोजगार उम्मीद बना के बैठा था, लेकिन जैसे ही गुजरात चुनाव की डेट नजदीक आई और जैसे ही महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ, यहाँ का वो प्रोजेक्ट दो दिन दूर नहीं। जैसे महाराष्ट्र के और देश के काफी किसानों ने आत्महत्या की है, उसी प्रकार से महाराष्ट्र के युवाओं को इतना ज्यादा तकलीफ डाल चुकी है। गौरतलब रहे कि वेदांत फॉक्सकॉन 1,54,000 कोटी का प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से तड़ेगांव दाभाड़े यहां आने वाला था, लेकिन यह प्रोजेक्ट अब गुजरात में बनेगा। इसके चलते महाराष्ट्र सरकार के विरोध में नेश नुसरत अली अध्यक्ष नागपुर शहर जिला महिला कांग्रेस के नेतृत्व में आंदोलन किया गया।